to Big Parlor, the Pasta Expert presents Chef One Season 3, powered by Shan Foods and Coca-Cola, in association with Himani Herbal. जी हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि मैंने इंट्रोड्यूस करवाए थे हमारे तीन पार्टिसिपेंट्स आज के इस राउंड के और साथ साथ हमारे जजेस ने भी अपनी अपनी सीट संभाल ली थी। अब वो वक्त है कि हमारे जजेस हमारे पार्टिसिपेंट्स को देंगे एक टास्क जो एक लिमिटेड टाइम में उन्हें कम्प्लीट करना होगा। सो लेट्स सी कि क्या होने लगा है आज का टास्क। सो जजेस क्या टास्क देने लगे हैं आज आप? रिदा बताएंगी जी। जी रिदा। अच्छा आज की दो रेसिपीज है, एक हम बनाएंगे बल्कि आप लोग बनाएंगे, एक चिकन पुलाव बनेगा और साथ में बनाएंगे मैक्रोनी सैलेड। मैक्रोनी सैलेड का ये है कि आपके पास बेक पार्लर का पास्ता है डिफरेंट कलर में डिफरेंट शेप में, आप उसको यूज करेंगे और इसके साथ यहाँ पर आपको पेंट्री में मिलेगा मेट्रो कैश एंड कैरी के राइस भी है, उसके अलावा शान के सारे मसाला जाता है। तो अब आप किस तरह से कौन सा फ्लेवर देंगी राइस को, किस तरह से बनाना है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो दो रेसिपीज हैं जो आज आपको मिल गई। अच्छा शेफ मानी, चिकन पुलाव एक ऐसी चीज है जो नॉर्मली हर रोज ही या हर रोज नहीं तो वंस इन अ वीक तो लाजमी हर घर में बनी रही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो क्या इसमें कोई इनोवेशन आप लोग चाहेंगे या चाहेंगे कि कोई डिफरेंट रेसिपी फॉलो की जाए, क्या एक्सपेक्टेशन है? अच्छा देखिए सैरिश, पुलाव जो है वाकई जिसने आपने खुद भी बता दिया कि बहुत डिफरेंट तरीके से वेरिएशन के साथ घरों में बनता है और कई लोग यखनी निकाल के बनाते हैं, कई लोग उसी में भून के और फिर इकट्ठी एक यखनी बना लेते हैं। तो देखिए इनके पास टाइम भी 45 मिनट्स का है। अब इनको स्मार्ट प्ले करना है कि अगर तो ये यखनी वाला मैनेज कर सकते हैं 45 मिनट्स के इस टाइम ब्रैकेट में तो फिर तो ज़रूर उस वे पे जाएं, और अगर नहीं कर सकते तो इनके घरों में इनके अम्मियों से जो इन्होंने सीखा है या अपनी इन्फ्लुएंसेस जहाँ से भी एक्वायर किए हैं तो उसको यूज़ करते हुए पुलाव पुलाव होना चाहिए। टेक्निकली पुलाव वो चीज़ है जो एब्जॉर्ब करता है, यानी जिसमें यखनी के अंदर चावल को दम दिया जाता है। बिरयानी में हम चावल अलग से उबाल के उसको तह देते हैं। सो बेसिकली वी विल लुकिंग फॉर पुलाव जो एब्जॉर्प्शन मेथड से बने, वन ये स्केल है। और सेकेंडली जो सेकेंड इनकी आइटम है दैट इज मैक्रोनी सैलेड जो बेक पार्लर से इन्होंने बनानी है। तो आप उसको कैसे मैक्रोनी सैलेड को क्या फ्लेवर देते हैं, क्रीमी बनाते हैं या फ्रेंड ड्रेसिंग की बनाते हैं या लाइट रखते हैं, ये अब इनकी गेम है। और इनको पेंट्री टाइम दिया जाएगा, पेंट्री जब इन्होंने पिक करनी है तो ये अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंगली करेंगे। सो इनका पेंट्री टाइम स्टार्ट करें। जी बिल्कुल, पेंट्री टाइम यहाँ पे स्टार्ट होने लगा है, लेकिन उससे पहले ये बहुत जरूरी है कि मैं जरा पार्टिसिपेंट्स का साथ छोड़ दूं क्योंकि ये अब जजेस और पार्टिसिपेंट्स के दरमियान का मामला है। सो ओवर टू यू जजेस। सो पार्टिसिपेंट्स आपको टास्क बता दिया रिदा ने कि आपने चिकन पुलाव बनाना है और उसके साथ मैक्रोनी सैलेड बनानी है। चिकन पुलाव के लिए चिकन जो है मेट्रो कैश एंड कैरी की तरफ से आपके काउंटर्स पे है और बेक पार्लर की मैक्रोनी यूज करते हुए आपने मैक्रोनी सैलेड बनानी है। आपको टाइम कुकिंग के लिए 45 मिनट दिया जाएगा, उससे पहले आपको पेंट्री टाइम दिया जाएगा 3 मिनट्स का। 3 मिनट्स का पेंट्री टाइम स्टार्ट करने से पहले एक और बड़ी अनाउंसमेंट है, वो है कि आपने एसओपी फॉलो करते हुए अपने हाथों को धोना है और उसके लिए मेट्रो कैश एंड कैरी की तरफ से हैंड वॉशिंग लिक्विड काउंटर्स पे है। हाथ धोइएगा, पेंट्री पे जाइएगा और कुकिंग कीजिएगा। तो आपका जो पेंट्री टाइम है 3 मिनट्स का वो स्टार्ट होने लगा है अब। देखिए आप लोग टाइम वेस्ट ना करें, जो चीज आपको जरूरत है वही ले, बास्केट ना इतनी भरे, आपके पास स्पेस खत्म हो जाएगा, आप कहाँ पर सारी चीजें रखेंगे, वही चीजें उठाएं। और दूसरा ये कि यू गेट कंफ्यूज ऑल्सो, तो जो प्लान रेसिपी का कर लिया है उससे चेंज ना करें क्योंकि टाइम शॉर्ट है, और अगर रेसिपी को बार बार अपने माइंड में चेंज करते रहेंगे और चीजें कंफ्यूज होकर उठाएंगे तो फिर आपका टास्क कंप्लीट होना मुश्किल है। साधिका आपको कोई ट्रबल है इस वक्त, आपको पिकिंग जो आप कर रही हैं, स्टाफ पिक कर रही हैं अपना? यस खाऊंगे। ओके जी, आप लोगों ने अपनी रेसिपीज के इंग्रेडिएंट्स जो है पेंट्री से पिक कर लिए हैं, आपका पेंट्री टाइम खत्म हो चुका है, अब आपने कुक करना है और आपका कुकिंग टाइम स्टार्ट होता है अब। टास्क मिला था उसको देख के थोड़ी नर्वसनेस थी, लेकिन उसके बाद जो है वो जब बनाना शुरू किया और जब हम अपने काम पे लग गए तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल भी रहा, काफ़ी एक्साइटिंग भी था, मज़ा आया था काफ़ी ज़्यादा। बेक
पार्लर ने आपके लिए बहुत आसानी कर दी है, क्योंकि आप बेक पार्लर पे दी गई रेसिपीज को फॉलो करते वक्त आप बहुत सारी रेसिपीज ऐसे बना सकते हैं जिनके अंदर जायका होगा बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। तो मैंने शेफ मानी के साथ साथ शेफ रिद्धा को भी देखा, लेकिन देखते साथ ही मेरी टेंशन जरा थोड़ी सी बढ़ गई थी कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। दो दो जजेस हैं, पहले ऑडिशन में क्योंकि एक थे अब दो थे, तो मुझे फील हो रहा था कि पता नहीं आगे मैं निकल सकूंगी इस राउंड में या नहीं। लाइफ में मैंने अभी तक पुलाव नहीं बनाई, क्योंकि मैं डम्पलिंग और ये अपने ट्रेडिशनल जो हैं खाने आशुक है, ये चीज़ें मैं बहुत बनाती हूँ। और बींग अलोन मुझे कोई वो भी नहीं कहता, मैं अपनी मर्जी से चीज़ें बनाती हूँ और खाती हूँ। मिलने वाले आम खुले मसाले आप अपने खानों में ऐड करेंगे और शायद टेस्ट भी आपको मिल जाए, लेकिन आपके घर वालों की सेहत पे आप कॉम्प्रोमाइज यकीन नहीं करना चाहेंगे, और शान भी नहीं चाहता कि आप अपने घर वालों की अपनी फैमिली की सेहत पे कॉम्प्रोमाइज करें। इसलिए तमाम मसाला जात की रेंज को ऐसे पैक किया जाता है और ऐसे बनाया जाता है, ऐसे महफूज किया जाता है ताकि आप तक बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी पहुंचे। So far, I got little confused with biryani and biryani. Yeah. You're cooking biryani? Your task is pulao. Yeah, I just first I start biryani. I thought it's why are you cooking biryani? We have given you the task. Now I'm cooking pulao. अच्छा, बॉइल तो नहीं किया ना आपने राइस, वो अब उसका वो अच्छा थोड़ा सा आपसे हो गया। खैर कोई बात नहीं, प्याज ब्राउन कर रही है चिकन। यस नाउ आई थिंक आगे पहले आपने कभी बनाया पुलाव घर में बनाया ट्राई किया? नहीं, फर्स्ट टाइम। यस चले फिर देखते हैं। आई ट्राइड बिरयानी अलोन। अच्छा तो बिरयानी पुलाव फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। पुलाव फर्स्ट टाइम। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है शान का? यस। हमाद आप क्या कर रहे हो? मैं टमाटो काट रहा हूँ उसके लिए पुलाव के लिए। अच्छा ठीक है। और इस साइड पे मेरा पास्ता जो है वो बॉइल हो रहा है, साथ साथ मेरा सैलेड भी जो है वो हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा दोनों चीज़। टमाटर किसके लिए काट रहे हैं? पुलाव के लिए। पुलाव के लिए। अच्छा पुलाव में क्या है, आप आलू बुखारे भी ऐड कर रहे हैं? हाँ मैं आलू बुखारे ऐड कर रहा हूं। अच्छा ये कौन सा वाला पुलाव होगा? सिंपल पुलाव है, लेकिन इसको मैं एक डिफरेंट टच जो है वो देना चाह रहा हूँ। जब आप खाएंगे तो मेरा अच्छा पता चलेगा कि क्या बनता है। ये मिस्टेक कभी भी ना करा करें। आप जब भी बॉईल करने के लिए रखते हैं राइस या फिर आप पास्ता, तो आप कभी ऊपर से ये कवर ना करा करें, ठीक है ना? ये आप एक साइड पे काम पे लगे होते हैं तो बॉयल होकर गिर जाता है, ये आप इस चीज़ का ध्यान दे दिया करें, ठीक है? अच्छा यहाँ पर आप पास्ता में, और आपने टोमेटो पिछली कटिंग की है? पुलाव में टमाटर डाल देंगे। प्याज ब्राउन हो गया आपका? देखो मैं ज़रा। अच्छा चिकन के साथ कर रही हैं, और इसमें साबुत आपने गरम मसाला डाला है या सब? खुशबू तो अच्छी आ रही है, लेट्स सी आगे क्या होता है। जी रिदा कहाँ तक पहुँचेंगे सारे? मानी स्टार तो सबने लिया हुआ है, और अभी मैं सनिया का देख रही थी, तो सनिया ने जो पुलाव को मतलब चिकन को फ्राई कर रही है उसके साथ बड़ा अच्छा सा मतलब उसका अरोमा आ रहा है। अच्छा। और मुझे वही अरोमा लग रहा है जो एक पुलाव का होना चाहिए। अच्छा, सही। लेकिन अब उन्होंने कहा मैं टमाटर भी ऐड करूंगी, और मुझे नहीं पता कि अब उसने क्या आगे वो क्या लेके आएगी। आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट साधिका बिकॉज़ उन्होंने बहुत लेट अपना काम स्टार्ट किया पुलाव बनाने का, तो आपको क्या लगता है कि वो कम्प्लीट कर लेंगी? आप गई है काम? साधिका थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर थी, लेकिन अभी उन्होंने
लाल ब्राउन कर्न के अब दोबारा उसी पुलाव वाली रेसिपी की तरफ आ रही है। बाकी सनिया का मुझे लग रहा है कि वो काफी बेहतर कर रही है, इसलिए कि उन्होंने चिकन को और प्याज को जो ब्राउन करें, जैसे पुलाव का होता है कि कलर वो आना चाहिए, उसकी खुशबू आनी चाहिए, तो वो कुछ मुझे बेहतर लग रहा है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। और हमाद का कुछ नया है, वो मैंने सुना कि वो आलू बुखारे के साथ कुछ बना रहे हैं पुलाव। हमाद कह रहे हैं कि आलू बुखारे वगैरह ऐड करके कुछ पुलाव बिरयानी मिक्स करके बना रहे हैं, आई थिंक जो टमाटर वगैरह डाल के। चलो देखते हैं क्या बनाते हैं ये लोग। मेट्रो कैश एंड कैरी ने मेरी मुश्किल को बिल्कुल आसान कर दिया है, क्योंकि एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी इतनी वाइड वैरायटी कि आपको कहीं और जाना ही नहीं पड़ेगा। जी तो जजेस, कहां तक पहुंचा है ये कंपटीशन और क्या लग रहा है कि पार्टिसिपेंट्स एक दिए गए टाइम के अंदर अपने कंपटीशन को कंप्लीट कर पाएंगे? देखिये, सबका जो मेथड है ना डिफरेंट है, सबका बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए कि साधका का उन्होंने, खैर उनको तो सुनने में थोड़ा सा मे बी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उन्होंने पहले बिरयानी की तरफ गई, अब वो पुलाव की तरफ आ रही है। और इसके साथ सनिया का मुझे अच्छा लगा, वो पुलाव को प्रॉपर तरीके से उसी तरह से मैनेज कर रही है, उसी तरह से बना रही है। और बाकी हमाद का है, वो कह रहे हैं मैं टोमेटोज डालूंगा पुलाव के अंदर, लेकिन अब जब पक के आएगा टेस्ट करेंगे उसके बाद ही सही पता चलेगा। लेकिन रिदा, जैसे कि आप कह रही है कि साधका बिरयानी बनाने लगी थी, तो क्या लग रहा है कि टाइम के अंदर मैनेज कर पाएंगी? वो कर पाएंगी, वो काफी उन्होंने स्पीड पकड़ ली है। अच्छा चले, लेट्स सी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम हुआ है जी एक छोटे से ब्रेक का, और लाजमी है कि हम ब्रेक की तरफ भी जाएं, और आते हैं हम एक ब्रेक के बाद। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, की वॉचिंग बिग पार्लर द पास्ट एक्सपर्ट प्रेजेंट शेफ वन सीजन 3 powered by Sean Foods and Coca-Cola in association with Himani Herbal. The Pasta Expert presents Chef Hunt Season 3 powered by Sean Foods and Coca-Cola in association with Himani Herbal. जी हम ब्रेक पे गए थे और उससे पहले थोड़ा सा कुछ टफ सा मुकाबला चल रहा था, क्योंकि वक्त रह गया है बहुत ही कम और मुकाबला है सख्त। तो अब हम पूछेंगे जरा अपने जजेस से कि उनको क्या लग रहा है कि क्या ये पार्टिसिपेंट्स अपने गिवन टाइम के अंदर अपने टास्क को कंप्लीट कर सकेंगे या नहीं। जी शेफ मानी एंड शेफ रिदा, क्या लग रहा है आप दोनों को? मेरे ख्याल से सैनिश कर लेंगे, जो मैं भी देख रहा हूँ अक्रॉस द काउंटर्स, ये लोग जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो अब इनका काम कंप्लीशन पे ही नजर आ रहा है मुझे। और रिदा भी जब गई थी तो रिदा भी बड़ी होपफुल थी कि वहाँ पे काफी चीजें जो हैं वो एक सीक्वेंस के साथ प्रोग्रेस कर रही हैं, तो होपफुली दे विल डू दैट। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि दोनों टास्क जो हैं, दोनों जो आपने रेसिपीज दी हैं, उनको साथ साथ लेके चलना एक फेवरेबल रहेगा या फिर अलग अलग बनाना फेवरेबल? नहीं, साथ साथ ऑब्वियसली इनके पास देखें काउंटर पे फैसिलिटी भी है, फोटाइल की तरफ से इनको जो ये कुकिंग बर्नर्स हैं, ये तीन तीन बर्नर्स हैं एक काउंटर पे, सो इसको यूटिलाइज अगर करें ये लोग तो ये तीन तीन चीजें पका सकते हैं एक वक्त पे, तो हमने तो दो दिए इनको, सो इनके लिए बहुत आसान है इस टास्क को मैनेज करना, तो इनको मुश्किल कोई नहीं है। रिदा, इस मोमेंट पे कोई टिप देना चाहेंगे हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स? नहीं, टिप में क्या दूं, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेज किया। इन्होंने क्या किया, पुलाव को एक साइड में रख दिया और पास्ता बॉईल कर लिया। अब पुलाव दम पे जा रहा है, इतनी देर में ये पास्ता रेडी कर रहे हैं, तो वगैरह पास्ता में वो लोग वेजिटेबल्स वगैरह जो फ्रूट कटिंग करें वो कर रहे हैं। तो बस मैं यही कहूंगी कि बस ये पुलाव का ये ख्याल कर लीजिएगा कि उसका जो फ्लेम है उसको ज्यादा हाई ना कीजिएगा, ये ना चावल कच्चे रहे, इस चीज का जरूर ख्याल कीजिएगा। आप स्पीड में कि फ्लेम हाई कर दें तो चावल कच्चे रहे और आप मतलब इस टास्क में कह सकते हैं कि आप पीछे रह जाए, क्योंकि दम लगाने का टाइम भी मिलेगा। हाँ बिल्कुल, और जैसा शेफ मानी हमेशा कहते होते हैं कि ये एक रूल भी है कि जब आपने कोई चीज सर्व करनी है तो यू हैव टू टेस्ट दैट फर्स्ट, तो आपने इस तरह का रखना है कि जो खुद भी खाने काबिल हो और जजेस को भी पेश करने काबिल हो। लेकिन अभी मैं जजेस को और हमारे पार्टिसिपेंट्स को जरा अकेला छोड़ देती हूँ, ताकि उनके पास जो टाइम फ्रेम थोड़ा सा रह गया है उसको वो अच्छे से मैनेज कर सके। मैं जाती हूँ बाहर, ओवर टू यू जजेस। सीजन 3 के सेट पे होते हुए बहुत से खाने हम लोग ट्राई करते हैं, लेकिन किसी भी खाने का मजा तब तक दुबाला नहीं होता जब तक कोका कोला साथ ना हो। अगर आप भी अपने खानों का मजा दुबाला करना चाहते हैं और एक फैमिली बॉन्डिंग की जो रिवायत है उसको रिवाइव करना चाहते हैं, तो आपने घर लेकर आना है कोका कोला।
रही है। अब आप लोग जल्दी हाथ चलाएं क्योंकि टाइम आपके हाथों से निकल रहा है। आपको क्या लग रहा है, मुझे जाना चाहिए? बिल्कुल, आप भी एक जरा राउंड लगा ले, पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। नहीं बस आप कुछ बोलिएगा, ज्यादा उनको प्रेशराइज नहीं कीजिएगा। जी हमार बाद आपने चावल भी ऐड कर दिए? मैंने चावल ऐड कर दिए, बाद में एंडिंग भी हूँ, बस दम ही देने हैं। और ये आलू बुखारा आपने डाल दिया? आलू बुखारा मैंने डाल दिया। ये चावल क्यों बचाए आपने? यही चावल डालने, अभी चावल डालने नहीं, अभी चावल डालने हैं। तो आप कर लेंगे इतने टाइम? हाँ जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। जी साधिका, बस चावल मैंने दम पे रखे। चावल दम पे, वेरी गुड। और अब आपका सैलेड भी बन गया जी। चलिए नाइस। साधिका तो कर चुकी है, सनिया आप भी चावल ऐड कर रही हैं। तो रिदा, ये दो लोगों के तो चावल अभी ऐड होने हैं यखनी के अंदर। साधिका ने काफी हद तक कम्प्लीट कर लिया है, तो मुझे लग रहा है कि साधिका जो है वो जल्दी से हमें खाना खिला देंगी। ये दोनों लेट करेंगे। साधिका ने बड़ी स्पीड पकड़ी, जब उनको पहले पता चल गया कि मैंने बिरयानी नहीं पुलाव बनाना है, तो उन्होंने फौरन स्पीड अपनी पकड़ी है और बड़ा अच्छा मैनेज भी कर रही है टाइम को। आपने लेकर आना है हिमानी का हैंड सैनिटाइजर, जो आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा बहुत से जर्म्स से, बहुत सी बीमारियों से। साधिका आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, आप पेंट्री को बहुत ज्यादा कंसल्ट कर रही हैं और बार बार जाके चीजें वहां से पिक कर रही हैं। तो आपको जब पेंट्री टाइम अलाउ किया गया था, आपको उसी वक्त अपनी रेसिपी प्लान करके इंग्रेडिएंट्स अपनी पिक कर लेने चाहिए थे। अब ये आप जो कर रहे हैं ये नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा आपके फाइनल रिजल्ट। टाइम खत्म हो गया है, मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रहा हूं। 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप 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 सनिया स्टॉप हमाद स्टॉप। तो फाइनली टाइम तो खत्म हो गया हमारे पार्टिसिपेंट्स के पास। सो क्या लग रहा है आपको जजेस, कौन होगा जो सबसे अच्छी रेसिपी बना के लेकर आएगा? कोई आपके गेसेस हैं या फिर सिर्फ जो है आप लोग अभी वेट कर रहे हैं? सरिश अभी तो कुछ भी कहना कब्ज वक्त है, जब तक टेस्टिंग नहीं कर लेते। बना तो मेरे ख्याल से सबने कंप्लीट कर लिया है जो हमने उनको टास्क दिया था, अब टेस्टिंग पे डिपेंड करता है कि उन्होंने बनाया कैसा है। रिदा, आपको क्या लगता है किसकी टेक्निक सबसे ज्यादा बेहतरीन रही है थ्रू आउट? जब हम लोग देख रहे थे तो हमें तो ये लग रहा था कि किसी ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब जैसे ही एंड हो रहा है तो सबके डिशेज फुल हो गई है, सबने रेडी कर लिया है। चले जी, यही तो ट्विस्ट है इस पूरे शो का, और लेट्स सी कि क्या रिजल्ट होने लगा है। लेकिन रिजल्ट से पहले, बल्कि रिजल्ट क्या टेस्टिंग से पहले, हम कहेंगे कि हमें जाना पड़ेगा एक शॉर्ट से ब्रेक की जानेब। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। कीप वॉचिंग बिग पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ हॉर्न सीजन 3 पावर्ड बाय शान फूड्स एंड कोका कोला इन एसोसिएशन विद हिमानी हर्बल। और अब वो टाइम है कि जजेस हमारे पार्टिसिपेंट्स की रेसिपीज को टेस्ट करें और बताएं कि किसकी रेसिपी ने उनको इम्प्रेस किया और कौन सी ऐसी रेसिपी है जो उन्हें इम्प्रेस करने में नाकाम रही। So, सबसे पहले जजेस किसको बुलाने चाहेंगे? सरिश, बुलाने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करूंगा कि इनको एसओपीस को फॉलो करते हुए अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, और हिमानी के सैनिटाइजर इनके काउंटर पे हैं कि पहले हाथ सैनिटाइज करेंगे और उसके बाद सबसे पहले मैं बुलाऊंगा साधिका को। साधिका प्लीज आ जाइए।
साधिका, अच्छा सरप्राइजिंगली आपने पुलाव लेट बनाना शुरू किया, आप बिरयानी स्टार्ट कर चुकी थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आपको, और फिर आपने ये बताया कि पुलाव आपने फर्स्ट टाइम बनाया है जिंदगी में। आपका पुलाव एक्सेलेंट है, टेस्ट, सॉल्ट, उसके चावलों का दम, उसका जो कुकिंग, जो चावलों का टेक्सचर होना चाहिए, मुझे ये लग नहीं रहा कि आपने फर्स्ट टाइम बनाया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीरियसली आई डिड इट फर्स्ट टाइम, बट इट्स द फर्स्ट टाइम, सो इट वाज अ वेरी यू नो जॉब वेल डन। और आपने जो मैकरोनी सैलेड बनाई है, दैट इज आल्सो रियली गुड एंड प्लेजेंटली गुड। आपने उसमें फ्रूट्स भी डाले हैं, क्रीमी टेक्सचर भी है, और जो मैकरोनी आपने बेक वाले की यूज की है उसको भी आपने बड़ा परफेक्टली कुक किया और गलाया, जितनी गली भी होनी चाहिए। सो आई रियली एंजॉय बोथ द डिशेज एंड वेरी वेल डन। अच्छा मेरे भी कुछ इसी तरह से कमेंट्स, ज़ाहिर है आपने पहले बिरयानी तैयार की, फिर उसके बाद आपने राइस की तरफ आई, और फर्स्ट टाइम आपने बनाया लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है। मुझे हल्का सा सिर्फ थोड़ा सा इसमें दम में कसर रह गई है, लेकिन ओवरऑल टेस्ट बहुत अच्छा है। एक एक राइस का दाना इतना अलग अलग है, और इसके साथ सैलेड भी ठीक है, गुड। मेरे साथ का आपको तो बहुत पॉजिटिव रिमार्क्स मिले हैं हमारे जजेस की जानिब से, आप अभी डिशेज दिखा सकते हैं। इस तरह के कंपटीशन होने चाहिए, और जैसे शेफ निदान निदान ने कहा कि जो पुलाव है ये मैंने देखा है टीवी में भी, लेकिन मैंने इस पर कभी कंसंट्रेट नहीं किया, लेकिन इसका कलर और ये सब कुछ वाकई मैटर करता है। साधका को तो काफी पॉजिटिव रिमार्क्स मिल चुके हैं, अब देखना ये है कि नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को कैसे रिमार्क्स मिलने वाले हैं उनकी रेसिपीज पे। सो नेक्स्ट हम किसको बुला रहे हैं शफीदा? नेक्स्ट हम बुला रहे हैं, हम आपको बुला लेते हैं, हम आज आ जाइए प्लीज। डाला है वो थोड़ा सा आनी बने, और आपने फुसली पास्ता यूज किया है, स्पाइरल पास्ता, सो यू नो उसको थोड़ा सा आपने ज्यादा कुक कर दिया है, वो बिखर रहा है, बट ओवरऑल जो सैलेड का जो टेस्ट है, जो उसकी उसका टेक्सचर है, जितनी ड्रेसिंग उसमें होनी चाहिए वो बहुत अच्छा है, एक्यूरेट है। आई लाइक द सैलेड, और चिल्ड भी है सरप्राइजिंगली, इतने शॉर्ट टाइम में आपने बड़ा ठंडा सैलेड हमें सर्व कर दिया, तो दैट इज कमेंडेबल ऑल्सो। चावल भी आपके अच्छे हैं, मुझे ये घर का देसी पुलाव जो मसाले वाले चावल होते हैं वो लग रहा है, बट जो भी बनाया आपने वो एब्जॉर्प्शन मेथड से बनाया, जो टेक्निक हमने आपको इस पे जज करना था। चावल आपके खिले हुए हैं, टमाटर आपने डाले वो भी अच्छा फ्लेवर दे रहे हैं, तो मुझे आपके चावलों का टेस्ट भी अच्छा लगा है। सो मेरी तरफ से एक अच्छा जो है एक पॉजिटिव फीडबैक आपको है। बताएंगे मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा मुझे राइस जो है स्टिकी से लग रहे हैं, ठीक है, मतलब वो एक एक दाना इसका अलग अलग नहीं है, थोड़े से स्टिकी लग रहे हैं, थोड़ा सा नमक भी इसका कम है, और जिस तरह से पुलाव की बात की थी तो ज़ाहिर है पुलाव वो पुलाव का ही वही फ्लेवर होना चाहिए, पुलाव का वही कलर आना चाहिए, आपने इसमें टोमेटोज भी ऐड किए, उसके बाद आपने इसमें आलू बुखारे भी ऐड कर दिए, तो ये पुलाव बिरयानी आपने मिक्स कर दी। सैलेड तो सही है, परफेक्ट है, लेकिन देखिए जहाँ पुलाव की बात आती है वो पुलाव होता है, ठीक है, ये लग रहा है कि घर में आलू वाले जो चावल बनते हैं, तायरी जिसको कह सकते हैं वो, या मसाले वाले राइस अब है, इसको मैं पुलाव नहीं कहूंगी। सैलेड जी मैं पुलाव कहूंगा। कुछ मिक्स से रिस्पॉन्स मिले हैं और कुछ मिक्स से रिमार्क्स भी हैं, हम आज अब अपनी डिशेज प्लीज उठा सकते हैं। शेफ रिदा ने मुझे जो है वो बोला था कि आपका जो है मुझे पुलाव कम और देगी बिरयानी जो है वो ज़्यादा लग रही है, क्योंकि उसमें सारे मसाले जो है वो ऐड ऑन हो गए थे, वो यही कह रही थी कि उसमें टमेटोज जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और उस वजह से, लेकिन ओवरऑल टेस्ट जो है वो उन्हें बहुत अच्छा लगा था। उसकी जो प्रेजेंटेशन थी या उसकी जो लुक थी वो ज़्यादा बिरयानी वाली लग रही थी। नेक्स्ट टाइम जो है मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि पुलाव को जो है वो थोड़ा पुलाव ही लगना चाहिए, ना कि ये कि वो बिरयानी लगे। इन्होंने पंजाबी स्टाइल का मेरे ख्याल से पुलाव बनाया था हमारे ने। मानी असल में आप लॉरी हो ना, तो आप लोगों को पता ही है पंजाब की पुलाव नहीं,
ये पंजाबी बिरयानी इन्होंने बनाई है। पंजाब वाले जो होते हैं ना वो बिरयानी को इस तरह से मिक्स करके बनाते हैं, हमारे जो यहाँ पे बिरयानी बनती है वो लेयर्स और अलग से नजर आता है, लेकिन लाहौर वाले इसी को बिरयानी कहते हैं। ये बिरयानी है, टमाटर भी है, आलू बुखारे भी है, मगर उसमें बनाया एब्जॉर्प्शन मेथड से। देखिए पुलाव का जो कोर है वो ये कि आपने उसमें चावल को पानी को चावलों के अंदर जस्ट करना है। मानी आप कभी अपनी बात को मानते नहीं है, बहरहाल आपको पता है इतफाक नहीं कर रहे एक दूसरे से हम आपके रेसिपीज को लेके, लेट्स सी के नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को लेके ये इतफाक करते हैं या नहीं। सो रिदा प्लीज अब बुला लीजिए नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को। अब मानी बुलाएंगे, मैं नहीं बुला, चलो मैं बुला लेता हूँ। सनिया आप आ जाइए। आपके जो चावल हैं, रिदा आपसे बहुत इंप्रेस हुई थी जब वो अंदर आपको विजिट करने गई थी आपके काउंटर पे, तो उन्होंने मुझे आके बताया कि जी सनिया बहुत अच्छी बुनाई कर रही है और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और मुझे उस वक्त भी एक थोड़ा सा अलार्म क्लिक कर रहा था कि जितनी बुनाई आप कर रही हैं तो आपके चावलों का कलर डार्क हो जाएगा, और वही यहाँ पे हुआ है कि आपके चावल जो है वो ओवरली ब्राउन है। और जो रिदा पुलाव बिरयानी पे हम लोगों से बहस हो रही थी, तो दिस इज यू नो काइंड ऑफ अ बिरयानी, आपका सैलड जो है वो सेविंग ग्रेस से आपका सैलड अच्छा है और आपके जो चावल हैं वो उतने अच्छे नहीं है। ठीक है, हमने आपको बाउंड नहीं किया था, बट थोड़ा सा कलर जो पुलाव का होता है वो इतना डार्क नहीं होता, ये तहरी का कलर जी प्याज की वजह से हो गया है। जी ओवरली ब्राउन थोड़ी सी आपकी अनियन है, आप जितना सालन को टेस्ट करना चाहते हैं उतना प्याज को ब्राउन करते रहते हैं तो वो अपना कलर जो है उसके अंदर रिलीज करता है यखनी में, बट जो इसका कलर और अपीयरेंस है ये पुलाव वाली ज्यादा नहीं है। सो मेरा सिर्फ ये कंसर्न है, विदा बता देंगे इसमें। फुलमानी देखिए मेरे ख्याल में इन्होंने लाल मसाले भी डाल दिए, हल्दी वल्दी कुछ ऐड किया आपने इसमें? पुलाव बनाते हैं गरम मसाला और प्याज को थोड़ा सा कलर देते हैं ताकि राइस का जो कलर है पुलाव का वो गोल्डन कलर आए, तो आपने इसमें वो सारे मसाले डाल के इसको वही पुलाव बिरयानी वाला आपने वो टेस्ट दे दिया है। टेस्ट तो खैर अच्छा है, टेस्ट इसका बुरा नहीं है, और मुझे जिस तरह से मानी कह रहा है राइस मुझे खिले खुले नहीं लग रहे, ये बिल्कुल वो खिचड़ी टाइप का थोड़ा सा लग रहा है। मेरी प्लेट में तो खिल गए, अब आप फैला रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन आपको पता है कि ज़ाहिर है राइस जब बनते हैं और वो भी मेट्रो कैशन कैरी की राइस इतनी अच्छी क्वालिटी की, इतने जबरदस्त राइस है, और वो इस तरह से बैठ जाए तो मुझे नहीं। देखिए मैं हृदय यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट प्ले कर रही है, बट मैं क्योंकि उस क्राइटेरिया पे देख रहा हूँ कि यू आर होम बेस्ड शेफ्स, इट वाज नॉट अ बैड एक्सपीरियंस, इट वाज काइंड ऑफ अ सेटिस्फैक्टरी थिंग, तो आप ये लेके जा सकती हैं, नो नीड टू वरी। कोशिश पूरी है, जो मेरी गलतियाँ आज उन्होंने निकाली, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आगे उसको सही कर सकूँ पुलाव को, और आगे इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि अगले राउंड में भी क्वालिफाई करूँ। जी सनिया को भी कुछ मिक्स से रिस्पॉन्स मिले हैं दोनों जजेस की जानिब से, लेट्स सी अब क्या फैसला होने जा रहा है। सो यहाँ पे हमारे जजेस अभी प्रिपेयर करेंगे अपना रिजल्ट और रिमार्क्स देंगे, लेकिन वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, कीप वॉचिंग बिग पार्लर द पास्ट एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ ऑन सीजन 3 पावर्ड बाय शार्क फूड्स एंड कोका कोला इन एसोसिएशन विद हिमानी हर्बल। The Pasta Expert presents Chef on Season 3, powered by Shan Foods and Coca-Cola, in association with Himani Herbal. जी हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसमें अनाउंस होगा कि कौन से वो लकी पार्टिसिपेंट्स हैं जो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे और कौन से वो पार्टिसिपेंट होंगे जो आज यहाँ से घर जाएंगे। सो बताइएगा जजेस के कौन है वो पार्टिसिपेंट जो जा रहे हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। अच्छा सैरिश, आज तो बड़ा सरप्राइज हमारे लिए भी था कि तीनों पार्टिसिपेंट जो थे वो मोरलेस एक दूसरे से इतना क्लोजली कम्पीट कर रहे थे,
कि आज हमने तीनों को सेव कर लिया। ओह वाह, तो तीनों में से कोई भी एलिमिनेट नहीं हो रहा। तीनों में कुछ पॉजिटिव थे, कुछ थोड़ी सी उनकी लैकिंग्स थी, वो हमने उनको वहाँ पे एक्सप्लेन किया, रिदा ने अपने अपने विजन से उनको गाइड किया, मैंने अपने हिसाब से, बट जो भी था उनकी लर्निंग थी उनको हमने उस पर बताया उनको, और हम उनको ये एक तरह से चांस भी है कि हमने किसी को एलिमिनेट नहीं किया। जो भी कम्पीट कर रहे थे, टाई थी दो के दरमियान, तो हमने उन दोनों को भी इकट्ठे थ्रू कर दिया है, मगर आगे मुकाबला बहुत टफ है। और बात ये भी है ना, देखिए आज हम इनकी गलतियां नहीं पकड़ेंगे, आज हम इनको नहीं बताएंगे कि आपने ये मिस्टेक किया, आगे जाके किस तरह से इम्प्रूव करेंगे। तो बात यही है, सबने ओवरऑल किया, सब बहुत अच्छा, लेकिन जहाँ छोटी मोटी गलतियां थी इसलिए मैंने उनको ज्यादा वो किया, हाईलाइट किया, बताना जरूरी समझा कि ताकि आगे जाकर ये अच्छी तरह से कर सके। जी, आज का टास्क तो बहुत लकी रहा हमारे तीनों पार्टिसिपेंट्स के लिए, और अगर हमारी फोर्थ पार्टिसिपेंट भी होती तो क्या पता उनके लिए भी कितना ही लकी साबित होता, और वो भी नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी होती। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि मुकाबला चलता रहता है, लाइफ गोज ऑन एंड द सीजन विल आल्सो गो ऑन। सो यहाँ पे हम इस एपिसोड को रैप अप करते हैं। आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, तमाम जीतने वालों को, जीतने तो नहीं, खैर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करने वालों को, क्योंकि जीत अभी दूर है और मंजिल बड़ी मुश्किल है। सो इन तीनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ पे हम अपने एपिसोड को एंड करेंगे। आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए बिग पार्लर द पास्ट एक्सपर्ट प्रेजेंट्स Chef Fun Season 3, powered by Shan Foods and Coca-Cola, in association with Himani Herbal. जाते जाते बाकी के ब्रांड्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिसमें शामिल है मेट्रो कैश एंड कैरी, जो हमारे पेंट्री पार्टनर है, साथ में वेलकम इवेंट्स एंड डेस्टिनेशंस एंड स्पेक्ट्रम ट्रेवल्स का, जो कि हमारे ट्रेवल पार्टनर है, फोर्टायर एनेक्स, शेफ कुक वेयर और केसरिया का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। अब आगे देखते हैं, अब जाहिर सी बात है आगे जैसे जैसे नेक्स्ट राउंड्स आते जाएंगे, हम लोग क्वालिफाई होते जाएंगे, तो टास्क भी उसके लिहाज से टफ होते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने जो है वो नेक्स्ट राउंड में जो है वो कर दिया है, और जो जिसको चीज़ें अच्छी लगी, दोनों डिशेज जो है वो अच्छी थी, लेकिन थोड़े बहुत जो है वो थे ड्रॉबैक। इंशाल्लाह आगे मज़ीद देखूँगी कि कुछ प्रिपरेशन हो के अगर मुझे कोई ट्रेडिशनल डिश नहीं आती तो मैं कम अज़ कम उसको ट्राई करूँगी।